जीतना अपनी तरफ होता है बट लोगों का इतना प्यार मिलेगा इतना आशीर्वाद मिलेगा ये हमने कभी नहीं सोचा था आप 5000 से जीत जाओ 20000 से जीत जाओ 50000 से जीत जाओ वो जीत भी जीत होता है विनर इज़ अ विनर हम वैसे हैं नहीं कि अपना काम आ, आ, काम डेजिग्नेट करने वाले इंसान नहीं इंसानिय बाढ़ का पानी लग जाता है तो हमें कॉलेज और पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है बहुत सारी बंद वहाँ पर फैक्ट्रीज़ पड़ी हैं क्यों बंद पड़े हुए हैं उनको हम कैसे वापस खोल सकते हैं तो मतलब उस लेवल पे लोग डिप्राइव्ड हैं अपने राइट्स से नमस्कार डीएनए में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आज बिहार समस्तीपुर से सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी इसलिए क्योंकि सबसे कम एज की हैं और इन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है सबसे छोटी सांसद होने का और शंभवी कैसा लग रहा है सबसे पहले तो थैंक यू आपका धन्यवाद आपका आपके चैनल का कि आप लोग आए हमारा इंटरव्यू करने के लिए कैसा लग रहा है बहुत सरियल फीलिंग है बहुत ओवरवेलमिंग है मतलब दो वर्ड्स बहुत ऑपोजिट एक दूसरे के बट हम साथ में यूज़ करें एक तो हमने कभी नहीं सोचा था कि मतलब जीतना अपनी तरफ होता है बट लोगों का इतना प्यार मिलेगा इतना आशीर्वाद मिलेगा ये हमने कभी नहीं सोचा था जब हम समस्तीपुर गए थे तो हमने एक चीज़ कही थी कि आप हमें अपने प्रत्याशी के रूप में या सांसद के रूप में आप हमें बाद में देखिएगा हम एक बेटी बनने के लिए पहले आए हैं तो आप हमें पहले बेटी के तौर पर आशीर्वाद दीजिए हमें स्वीकारिए और फिर जो राजनीतिक जीत होगा वो अलग होता है तो आज हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि नहीं हमें समस्तीपुर की जनता ने अपनी बेटी माना है क्योंकि आई थिंक एक और है कि बिहार में सेकेंड लार्जेस्ट मार्जिन से हमारी जीत, जीत हुई है तो वो एक आप पाँच हज़ार से जीत जाओ बीस हज़ार से जीत जाओ पचास हज़ार से जीत जाओ वो जीत भी जीत होता है विनर इज़ अ विनर बट इतने लार्ज मार्जिन से जीतना वो मेरे लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरे लिए ज़्यादा बड़ी उपलब्धि वो है कि लोगों लोग का इतना आशीर्वाद मिला है इतना प्यार मिला है और हम बस चाहते हैं कि बस ये प्यार आशीर्वाद लोगों का बना रहे उसके लिए तो बहुत काम भी करना पड़ेगा बहुत काम करना पड़ेगा कभी कभी प्रेशर भी फील होता है क्योंकि यू you नो know, हम वैसे हैं नहीं कि अपना काम मतलब शुरू से तो, आ, काम डेजिग्नेट करने वाले इंसान नहीं हमको हमेशा लगता है कि नहीं जितना कुछ हम खुद कर सके उतना करें तो ऑब्वियसली वो एक प्रेशर हमेशा रहता है लोग हमेशा एक हम लोग इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे एक हम लोग स्लोगन तैयार किए थे शाम्भवी है तो संभव है तो मतलब वो ना लोग बार बार हमको बताते रहते तो वो एक अपने से एक और क्रिएट होता है कि बापरे लोग का कितना सारा एक्सपेक्टेशन है कितने सारे एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरना है तो नेचुरल है थोड़ा प्रेशर फील होता है बिहार को एक चेंज की ज़रूरत है और जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने यंगस्टर्स को आगे लेके आए हैं चिराग उसमें आपको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी क्योंकि आप महज 25 साल की हैं और अब आपको लंबी लड़ाई लड़नी है और बिहार को एक बदलाव की ज़रूरत है और उस बदलाव में आप लोगों का बहुत आ, मतलब लोगों की बहुत उम्मीद है बिहार की बहुत उम्मीद है आप लोगों से वो किस तरह से फुलफिल करने के लिए अभी तक कुछ प्लान बना पाई हैं या अभी जीत और लोगों के बीच में ही सब कुछ चल रहा है गड़बड़ एक्चुअली ये जो एज है ना हमने पहले भी कहा है कि उम्र काम करने में मायने नहीं रखता मायने आपका नियत रखता है मायने आपकी मतलब आपका जो हौसला है वो रखता है और आप मतलब काम करने की आपकी इच्छा कितनी है वो मायने रखता है तो हम ये मानते हैं कि हम और मेरे लिए तो हम इसको एक बेनिफिट के तौर पे देखते हैं कि हम इतने कम एज के हैं हम मेंटली फ़िज़िकली इमोशनली ज़्यादा एक्टिव हैं तो ये एक ये तो बेसिक साइंस है कि ज़्यादा एनर्जी होता है युवा जो होते हैं वो नए सोच नए विज़न के साथ राजनीति में आते हैं उनको जो आज के जो मॉडर्न समय में जो आवश्यकताएँ उसकी जानकारी उनको थोड़ी मतलब बेहतर होती है और हम जब राजनीति का आप बात करें तो हम ये मानते हैं कि नहीं राजनीति में एक न्यू वेव फ्रेश एयर लेकर के युवा आते हैं और उस तरीके से वो काम करते हैं मेरा रोड मैप बिल्कुल तैयार है कुशेश्वर स्थान है हमारे संसदीय क्षेत्र में जो बहुत बैकवर्ड है बहुत ज़्यादा ही बैकवर्ड है वहाँ पर जब हम गए थे चुनाव प्रचार के दौरान तो कई सारे ऐसे गाँव थे जहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने अपने सांसद प्रत्याशी का चेहरा ही पहली बार देखा है तो मतलब उस लेवल पे लोग डिप्राइव्ड हैं अपने राइट्स से उनको वो कहे हमको कि जब बाढ़ का पानी लग जाता है तो हमें कॉलेज और पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है वहाँ की जो लड़कियाँ हैं यंग गर्ल्स वो हायर एजुकेशन परस्यू नहीं कर पाती क्योंकि कॉलेज उनके लिए दूर पड़ जाता है तो ये सारी चीज़ें हैं तो हम मानते हैं कि कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा एजेंडा है मेरे कॉन्स्टिटेंसी में और हम चाहते हैं कि कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो ताकि जब कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगा तभी आपका जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा एक तो आपका स्टेट लेवल का और एक आपके नेशनल लेवल का जब हाईवेज आएंगे फ्लाई ओवर आएगा बाईपास आएगा जब ये सारा चीज आएगा तब जा कर के आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं सो so, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जब कोई कंपनी इन्वेस्ट करती हो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और अपना लॉ एंड ऑर्डर देखती है और ऑब्वियसली सप्लाई एंड डिमांड देखती, हैं। देखती हैं। तो, uh, एक, uh, है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक पॉइंट है की पॉइंट है और कही न, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरा रोल आता है कि हम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर समस्तीपुर को दें ताकि वहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनीज़ आके इन्वेस्ट कर सकें जब कंपनीज़ आके इन्वेस्ट करेंगी तो आपका मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा वहाँ पे रोज़गार का उपाय बढ़ेगा युवा हमारे साथ ही बिहार में एक बर्निंग इशू है युवाओं के रोज़गार का तो समस्तीपुर में इस तरह से रोजगार हम मानते हैं कि बढ़ेगा वो शिक्षा हो वो स्वास्थ्य हो ये सब ऑटोमेटिकली जब आर्थिक विकास होगा तो सामाजिक विकास अपने आप होने लगता है तो ये सारी मेरे कुछ एजेंडाज है जिसको हम हाँ आगे ले कर के चल रहे हैं बहुत सारी बंद वहाँ पर फैक्ट्रीज पड़ी हैं जिसके लोग की आस उससे जुड़ी हुई है वो अशोक पेपर मिल हो वो जूट मिल हो वो चीनी मिल हो ये सारे जो मिल्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं वो क्यों बंद पड़े हुए हैं उनको हम कैसे वापस खोल सकते हैं तो ये सारी चीज़ों पे एक तो ये रोड मैप का काम चल ही रहा है पर एवरीडे इशू भी होता है जब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे कहीं ब्रांच मैनेजर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नहीं बैठ रहा है कहीं एम्बुलेंस का प्रॉब्लम हो रहा है कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ये तो डेली बेसिस पे जो काम चलता है वो हमारा काम चल रहा है आपके जो भी एक सांसद से उम्मीद होती है वो सारे जो एवरीडे कॉल्स है वो काम अपना साइड साइड बाय चलता मतलब आपकी एक बड़ी टीम है जो आपके साथ लगी हुई है और उस काम को अंजाम तक पहुंचाने में लगी है मतलब मैं ये समझ लूं कि समस्तीपुर हो या खगड़िया हो या हाजीपुर हो एक नए लेवल पे जाने के लिए बिहार एक नए रोड uh, पे चलने के लिए तैयार है ऐसा होगा बिल्कुल बिल्कुल और हम आ, आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दें कि आई थिंक सबसे पहला अगर संसदीय कार्यालय कहीं खुला है तो वो समस्तीपुर में खुला है स्थानीय संसदीय कार्यालय तो अब जो एक है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो चिराग पासवान का एक नारा है बड़ा और सांभवी है तो संभव है।, है तो ये सारे नारे मिलके आपको क्या लगता है बिहार को पिछले पाँच आने वाले पाँच सालों में मतलब तीस तक चौबीस चल रहा है तीस तक हम लोग कहाँ देख पाएंगे आई थिंक अभी प्रेजेंट सिचुएशन से बहुत आप बेटर स्थिति में इससे बहुत अच्छी स्थिति में आप बिहार प्रदेश को देखेंगी आ, हमारे साथ कहते हैं ना कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और हमारे पार्टी के नेता राष्ट्र अध्यक्ष और अब तो आ, देश में युवाओं का जो एक जोश और प्यार है उनके लिए वो हमारे चिराग पासवान जी तो हम मानते हैं कि ये तीनों का एक बहुत बढ़िया प्यारा कॉम्बिनेशन जीतन राम मांझी जी हमारे साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं तो ये हम जो पांच पांडव का कॉम्बिनेशन है हम ये मानते हैं कि बिहार प्रदेश में पाँच साल तो हम ज़्यादा ही मानते हैं हमको लगता है एक से दो साल में जो एक स्पेशली एक हम लोग की जो लोक जनशक्ति पार्टी की पांच कॉन्स्टिट्यूवेंसी है उसमें सभी युवा हैं और सभी बहुत डेडिकेटेड तरीके से काम कर रहे हैं लगातार हम लोग राजेश भैया से बात करते हैं अरुण भैया से बात करते हैं सब अपने क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं और देख के बहुत अच्छा लगता है बहुत मज़ा आता है जब हम सब मिलते हैं तो क्षेत्र की बातें करते हैं आप क्या कर रहे हैं आप क्या करें एक दूसरे से हम लोग आइडिया शेयर करते हैं मतलब एक और आप वो देखिएगा वो हाजीपुर वैशाली समस्तीपुर खगड़िया ऑलमोस्ट सेम बेल्ट पे है तो हम लोग हमेशा उसके बारे में बात करते हैं कि हम लोग किसानों की कैसे मदद कर सके अभी चिराग पासवान जी को आ, खाद प्रसंस्करण विभाग मिला है तो हम हम लोग हमेशा उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे एक अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी उस बेल्ट में लग जाए तो हम लोग कलेक्टिवली वहाँ के किसानों की कैसे मदद कर सकते हैं तो अच्छा लगता है और हम मानते हैं कि बहुत बहुत जल्दी बिहार में डिफरेंस दिखेगा अब जब देश की राजधानी और बिहार की राजधानी कभी लगता है कि कुछ कंपेयर करना चाहिए इन दोनों को हाँ और कहाँ हम पीछे Uh, बहुत बिहार ऑनेस्टली uh, हम अगर अब का बिहार देखें जो जब हम बिहार से uh, 2016 में अपना स्कूलिंग नॉट डेम अकेडमी से हम uh, ख़त्म करके दिल्ली आए थे तो 2016 से 2024 का भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है मतलब एक बिहार uh, बदल रहा है बदल रहा है लगातार बदल रहा है और अभी अब हम ये कह सकते हैं कि कई हद तक जो चीज़ हम दिल्ली का देखते थे और चाहते थे कि बिहार में हो वो अब बिहार में आ रहा है बट आई थिंक थोड़ा सा डिस्टेंस हम लोग को और कवर करना है वो आप आपका जैसे इन्वेस्टमेंट मेन हमको एक uh, रोज़गार बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट हम लोग अभी बिहार uh, में uh, अगर थोड़ा मल्टी लेवल का इन्वेस्टमेंट ला पाए uh, अभी भी आप पढ़ रही हैं आप पी एच परस्यू कर रही हैं तो आप वहाँ की लड़कियों को जो कि आ, एजुकेशन में बिहार बहुत आ मतलब बहुत पीछे है तो बहुत आगे भी है क्योंकि हम कहीं ना कहीं हर बड़ी पोजीशन पे बिहार के लोग बैठे, बैठे हैं, हैं। चाहे आईएएस आईपीएस वाली लाइन को अगर छोड़ दें वो तो बोलते बोलते बहुत बहुत साल बीत गए कि हम लोगों मतलब बिहारियों का एक अधिकार रहा है आई ए एस आई पी एस वाले में लेकिन अब जर्नलिज़्म हो या किसी बड़ी पोजीशन पे किसी इंटरनेशनल कंपनी में बैठे हुए हों बिहारियों का अब अब रहा है दबदबा लेकिन एजुकेशन के मामले में हम बहुत पीछे हैं क्योंकि एक वर्ग है जो अपने बच्चों को आगे बढ़ा देता है और वो बच्चे जाते हैं और टॉप कर जाते हैं कहीं भी लेकिन वो टैलेंट की बिहार में कमी नहीं है मेहनत की कमी नहीं है तो वो वो जो बच्चे हैं और समस्तीपुर मतलब आपका जो कॉन्स्टिट्युएंसी है या चिराग से जुड़े हुए चिराग पासवान जी से जुड़े हुए जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी है आपको क्या लगता है कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसे बदलने और उस पर कुछ काम करने की ज़रूरत आई थिंक हायर एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है वहाँ पे। एजुकेशन स्कूल लेवल पे बहुत uh, होता है वहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं हम लोग देखते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं पर एक पॉइंट के बाद वो लोग हायर एजुकेशन नहीं प्रस्यू कर पाते हैं स्पेशली महिलाएं हायर एजुकेशन नहीं प्रस्यू कर पाती हैं हमने अपने घोषणा पत्र में ये भी लिखा था कि अपने ज़िला में एक पॉलीटेक्निक कॉलेज खुलवाएंगे हम महिलाओं के लिए ताकि वो टेक्निकल ट्रेनिंग कर सके जो आगे चल के uh, uh, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का उनके पास समय नहीं हो पाता है या फिर उनकी जल्दी शादी करा दी जाती है ऐसे केसेस में टेक्निकल कोर्सेस काम आते हैं तो हमने पॉलीटेक्निक कॉलेज की बात की थी आ, अभी भी आप पढ़ रही हैं आप पी एच कर रही हैं तो आप वहाँ की लड़कियों को जो कि एजुकेशन में बिहार बहुत आ मतलब बहुत पीछे है तो बहुत आगे भी है क्योंकि हम आ, कहीं ना कहीं हर बड़ी पोजीशन पे बिहार के लोग बैठे हैं चाहे आईएएस आईपीएस वाली लाइन को अगर छोड़ दें वो तो बोलते बोलते बहुत बहुत साल बीत गए कि हम लोगों मतलब बिहारियों का एक अधिकार रहा है आईएएस आईपीएस वाले में लेकिन अब जर्नलिज़्म हो या किसी बड़ी पोजिशन पर किसी इंटरनेशनल कंपनी में बैठे हुए हों बिहारियों का अब अब रहा है दबदबा लेकिन एजुकेशन के मामले में हम बहुत पीछे हैं क्योंकि एक वर्ग है जो अपने बच्चों को आगे बढ़ा देता है और वो बच्चे जाते हैं और टॉप कर जाते हैं कहीं भी लेकिन वो टैलेंट की बिहार में कमी नहीं है मेहनत की कमी नहीं है तो वो वो जो बच्चे हैं और समस्तीपुर मतलब आपका जो कॉन्स्टिटेंसी है या चिराग से जुड़े हुए चिराग पासवान जी से जुड़े हुए जितने भी कॉन्स्टिट्युवेंसी आपको क्या लगता है कि वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कैसे बदलने और उस पर कुछ काम करने की ज़रूरत आई थिंक हायर एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है वहाँ पे। एजुकेशन स्कूल लेवल पे बहुत uh, होता है वहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं हम लोग देखते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं पर एक पॉइंट के बाद वो लोग हायर एजुकेशन नहीं परस्यू कर पाते हैं स्पेशली महिलाएं हायर एजुकेशन नहीं परस्यू कर पाती हैं हमने अपने घोषणा पत्र में ये भी लिखा था कि अपने ज़िला में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाएंगे हम महिलाओं के लिए ताकि वो टेक्निकल ट्रेनिंग कर सके जो आगे चल के आ, आ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का उनके पास समय नहीं हो पाता है या फिर उनकी जल्दी शादी करा दी जाती है ऐसे केसेस में टेक्निकल कोर्सेस काम आते हैं तो हमने पॉलीटेक्निक कॉलेज की बात की थी और पूरी टीम जो है चिराग पासवान की अगर मैं बात करूं तो वो आस्था से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है आपका खुद भगवान में कितना बिलीव है बहुत ज़्यादा मतलब हम बिना पूजा किए हुए कुछ भी नहीं करते दिन में सुबह उठ के हम सबसे पहले पूजा करते हैं और उसके अगर मेरे को सुबह छः बजे भी निकलना होगा तो हम चार बजे उठेंगे बट बिना पूजा किए हुए नहीं निकलेंगे तो ये होता है और पूजा का इसलिए क्योंकि हम मानते हैं कि हम लोग एक ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे हम लगातार लोगों से बात चीत करना होता है लोगों से हमें आ, मिलना जुलना पड़ता है आ, बहुत ही ऐसा प्रोफेशन है जो दूसरे के परसेप्शन पे ज़्यादा डिपेंड करता है राधा दैन अपने परसेप्शन पे। आ, मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि पॉलिटिक्स में पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है थ्री पीस वो बोलते हैं उसमें से एक पेशेंस है तो ये जो पेशेंस लाना होता है अपने अंदर जो स्थिरता लानी होती है दिमाग में जो स्थिरता दिल में कभी कभी हम लोग बहुत आ, जैसे इमोशनल लोग होते हैं उन लोग के लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग केसेस सामने आता है वो चाहे किसी की बीमारी से रिलेटेड हो या मतलब यूजुअली आपको ऐसे केसेस से डील करना पड़ता है जिसमें बहुत दुख है तो ये सारी चीज़ों के इमोशनली एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने अराउंड क्रिएट करने के लिए हम पूजा करते हैं और हम उसके लिए मेडिटेशन करते हैं ऐसा नहीं है कि हम भगवान के सामने जाते बोलते तो भगवान जी हमको ये दे दीजिए आप या हमको वो दे दीजिए ऐसा कुछ नहीं है वहाँ जाके हम बस मेडिटेट करते हैं जाप करते हैं और हम बस थैंक यू बोलते हैं कि यू you नो know, जो मेरा जीवन है वो अच्छे से जा रहा है, खुश है हम खुश हैं हम लोग सब मेरे परिवार के लोग खुश हैं उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं ऐसा और इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग जाके भगवान जी से मांग रहे हैं कि आप ये दे दीजिए वो दे दीजिए और मेरे फैमिली में सब लोग पूजा करते हैं और हम लोग उस इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं जहाँ पर हम लोग की आस्था बहुत ज़्यादा है बहुत मजबूत है और हम ये मानते हैं कि भक्ति में बहुत शक्ति होता है ये है एक विश्वास युवा सांसद का समस्तीपुर से हमारे साथ थी शांभवी और कैमरा पर्सन विकास मावी के साथ मैं पूजा मेरोत्रा देखते रहिए डीएनए